फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ उस्मान और आप देख रहे हो टीच टू टीच बाय उस्मान। फ्रेंड्स, यदि आप लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हो या यू से BLIS का कोर्स कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का यूज़ कर सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक रहेगा DDC यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब DDC क्या होता है? DDC एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है जिसमें पुस्तकों को हम क्लासिफाइड करते हैं। तो DDC को जो बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मेलविन डेवी को। मेलविन डेवी ने DDC को बनाया था। मेलविन डेवी जो थे वो अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। इन्हें आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। DDC का यूज हम लाइब्रेरी में पुस्तकों को क्लासिफाइड करने के लिए यूज करते हैं। DDC का जो प्रथम संस्करण है, इसका जो फर्स्ट एडिशन है, वो आया था 1876 में, और इसका 23वां संस्करण जो आया था वो 2011 में आया था। वर्तमान में इसका संस्करण 24वां चल रहा है। अब DDC का जो प्रकाशन किया जाता है वो OCLC द्वारा किया जाता है। अभी ये OCLC क्या है? तो OCLC है कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। यह DDC का प्रकाशन करता है, यह DDC को मैनेज करता है। अगर हम बात करें इग्नू की, तो इग्नू में जो हमारा DDC है उसका हम 19 एडिशन यूज करेंगे। अगर आप इग्नू से BLIS का कोर्स करें तो उसमें जो 227 में जब हम 227 का जब हम क्वेश्चन देखते हैं या 227 को हम जब उसमें देखते हैं तो उसमें एक DDC के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। DDC भी हमारे सिलेबस में है, तो हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अपनी आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडिशन की बात करते हैं तो 19 एडिशन जो है वो इग्नू में यूज किया जाता है। 19 एडिशन जो है वो हमारा 1979 में आया था। अब ये जो 19 एडिशन था, इसकी तीन वॉल्यूम थी, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड एंड वॉल्यूम थर्ड। वॉल्यूम फर्स्ट में जो था वो इंट्रोडक्शन टेबल और तीन समरियों को दिया गया है। वॉल्यूम सेकंड में शेड्यूल को दिया गया है। शेड्यूल यानी कि जो तीन समरी है उसको विस्तार से बताया गया है। और जो DDC का जो थर्ड वॉल्यूम है वो रिलेटिव इंडेक्स है। रिलेटिव इंडेक्स को हम डिक्शनरी की तरह यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई बुक का क्लास नंबर अगर हम ढूंढना है तो जिस तरीके से हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर हम डिक्शनरी को यूज़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम थर्ड वॉल्यूम को यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा इस टॉपिक जो रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा DDC की फर्स्ट वॉल्यूम में हम तीन समरियों के बारे में पता करेंगे और उससे क्लास नंबर बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके पास DDC की वॉल्यूम नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ से वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को डाउनलोड कर सकते हो, और मैंने तीन समरियों को भी अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम विस्तार से तीन समरियों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन तीन समरियों से क्लास नंबर कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज इस वीडियो में तीन समरी से क्लास नंबर बनाना सीखेंगे। तो तीन समरी कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। तो पहली समरी हमारी जो होती है वो ये होती है। इसमें 10 मेन क्लास को डिवाइड किया जाता है। 10 मेन क्लास होती है हमारी फर्स्ट समरी में। कौन कौन सी होती है वो 00 जनरलिटीज, 0100 हमारी फिलोसफी एंड साइकोलॉजी होती है, 200 रिलीजन होती है, 300 सोशल साइंस होती है, 400 लैंग्वेज होती है, और 500 प्योर साइंस होती है, 600 टेक्नोलॉजी होती है, और 700 द आर्ट्स होती है, 800 हमारी लिटरेचर होती है, और 900 जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 100, 200, 300, 400 नहीं बोलना, क्योंकि ये डेसिमल क्लासिफिकेशन है। जैसे हमने डेसिमल मतलब जो होता है, यदि संख्या के बाद पॉइंट लगा डेसिमल लगा दिया जाता है तो उसको हम किस तरह पढ़ते हैं, 2.43 इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 3 इसमें डेसिमल लगा हुआ है लेकिन वो हाइड हो रखा है। तो फर्स्ट समरी में क्या होती है, ये 10 मैन क्लास होती है। इस 10 मैन क्लास का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, हम इसी से क्लास नंबर बनाना सीखेंगे। और सेकंड समरी में जो होता है वो सेकंड समरी में 100 डिवीजन है, और थर्ड समरी में
1000 सेक्शन है। तो फर्स्ट समरी का जो फर्स्ट डिजिट होगा वो रिप्रेजेंट करता है मेन क्लास को, और सेकंड समरी में जो सेकंड डिजिट होगा वो रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, और थर्ड समरी में जो थर्ड डिजिट होगा वो रिप्रेजेंट करता है सेक्शन को। डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन में एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें हम जो भी क्लास नंबर बनाएंगे वो तीन डिजिट का ही होगा। यदि तीन डिजिट से कम होता है तो उसमें हम जीरो लगाकर उसको थ्री डिजिट का कर देते हैं। तो ये मेन क्लास हमने देखी कि मेन क्लास फर्स्ट समरी में मेन क्लास होती है जो 10th मेन क्लास में डिवाइड होती है, सेकंड समरी में 100 डिवीजन होते हैं, और थर्ड समरी में 1000 सेक्शन होते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि तीन समरी से क्लास नंबर कैसे बनाते हैं। चलिए हम क्लास नंबर बनाना सीखते हैं कि तीन समरी से क्लास नंबर कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, तीन स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तीन स्टेप फॉलो करके आप किसी भी बुक का तीन समरी से क्लास नंबर बना सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला स्टेप। आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको सर्च टाइटल इन टू 10 मेन क्लास। आपको कोई टाइटल दिया जाएगा उस बुक का, उस बुक के टाइटल को आपको 10 इन मेन क्लास में सर्च करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपका क्या है कि 10 मेन क्लास का नंबर सेकंड नंबर में ओपन करना है। जब आपको जो टाइटल दिया जाएगा, जब आप इसमें से मैच कर लोगे कि जो मेरा टाइटल है वो इसमें से आता है, फिर इस नंबर को 10 मेन क्लास के नंबर को आप सेकंड समरी में ओपन करोगे। सेकंड समरी में ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप आपका क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि जो सेकंड समरी का नंबर थर्ड समरी में जो ओपन करा है उसमें आपको उस सेक्शन को देखना है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल की तो पे मेरे पास द बाइबल बुक है। अब मुझे इस द बाइबल के नाम की बुक का टाइटल बनाना है, मतलब क्लास नंबर बनाना है। तो द बाइबल को सबसे पहले मैं इनमें सर्च करूँगा कि ये जो द बाइबल है वो इनमें से किस में आती है। तो 00 में तो आएगी नहीं, 100 में भी नहीं आएगी, 200 क्या है, हमारा रिलीजन है, और जो बाइबल है वो भी रिलीजन को शो करती है। बाइबल जो है वो ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। अब मैं इसको क्या करूँगा कि 200 को मैं क्या करूँगा, सेकंड समरी में ओपन करूँगा। सबसे पहले द बाइबल को मैंने फर्स्ट समरी में देखा 200, अब इसको मैं क्या करूँगा, सेकंड समरी में ओपन करूँगा। 200 को किस में ओपन करूँगा, सेकंड समरी में। तो सेकंड समरी में ओपन करने के बाद मुझे 220 मिला। अब इस 220 को मैं किस में सर्च करूँगा, थर्ड समरी में। तो थर्ड समरी में सर्च करने के बाद 220 को जब मैंने सर्च करा तो मुझे द बाइबल मिला, द बाइबल लिखा हुआ मिला, और उसके आगे क्लास नंबर था 220। तो ये हमारा द बाइबल का क्लास नंबर हो गया 220। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास डिक्शनरी कैटलॉग की बुक है। अब मुझे डिक्शनरी कैटलॉग की बुक का क्लास नंबर बनाना है। तो इस डिक्शनरी कैटलॉग को सबसे पहले इनमें 10 मेन क्लास को देखूंगा, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेप बता रखा है। तो 10 मेन क्लास में से आप देख रहे हो कि ये फिलोसफी एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड थी, ये रिलीजन से रिलेटेड है, ये सोशल साइंस से रिलेटेड है, 400 लैंग्वेज से रिलेटेड है, 500 प्योर साइंस से रिलेटेड है, 600 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, 700 आर्ट से रिलेटेड है, 800 लिटरेचर से रिलेटेड है, 900 जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हमारे इसमें से डिक्शनरी कैटलॉग हमें पता नहीं चल रहा है कि किसमें से। तो डिक्शनरी कैटलॉग को पता करने के लिए हम 00 में आते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट हमें इसमें ना मिले वो सब्जेक्ट हमें जनरलिटीज में मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 00 हमने मेन क्लास पता कर ली, फर्स्ट स्टेप हमने तैयार कर लिया कि भाई हमारा डिक्शनरी कैटलॉग का फर्स्ट स्टेप 00 है। अब इस 00 को हमें सेकंड समरी में ओपन करना है। तो सेकंड समरी में ओपन करने के बाद हमें एक नंबर मिलता है 010 जो बिब्लियोग्राफीज का है। अब 010 को हमें थर्ड समरी में ओपन करना है। थर्ड समरी में ओपन करने के बाद हमें एक नंबर मिलता है 00010 को हमने थर्ड समरी में ओपन करा तो एक नंबर मिला हमें 019 जो कि डिक्शनरी कैटलॉग का नंबर है। तो हमारा डिक्शनरी कैटलॉग का क्या नंबर हो गया, 019। एक एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास इंडोर गेम ऑफ स्किल की बुक है। अब मुझे इसका क्लास नंबर बनाना है कि क्लास नंबर कैसे बनाए। तो क्लास नंबर के लिए पहले सबसे पहले मैं इसको लिखूँ मेन क्लास में, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो यही बोलता है कि सर्च टाइटल इनटू मेन क्लास। तो सबसे पहले इंडोर गेम को मैंने मेन क्लास में लिखा कि मेन क्लास में से किस में आया, तो ये आर्ट्स वाले सेक्शन में आता है। तो आर्ट्स वाले में मतलब हमारा जो मेन क्लास है 700, तो 700 मेन क्लास होगी। अब 700 को सेकंड समरी में ओपन करना है। तो सेकंड समरी में ओपन करने के बाद हमें मिलता है 790। 790 को हमें अब क्या करना है, जो कि गेम से रिलेटेड है, 790 को अब हमें थर्ड समरी में ओपन करना है।
तो थर्ड समरी में आप सबसे नीचे देखोगे 794, तो 794 क्या है? इंडोर गेम ऑफ स्किल। तो हमारी इस बुक का टाइटल, बुक का क्लास नंबर क्या हो जाएगा? 794। तो इस तरीके से हम किसी भी बुक का क्लास नंबर बना सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, तो देखते हैं DDC का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ये समरी ओपन की है, ये आप देख सकते हो, ये समरी है। ये मैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से हमारी समरी स्टार्ट होती है। तो समरी में भी आपको तीन समरी मिलेगी। ये आपकी जो आप देख रहे हो, ये 10 मेन क्लास है, इसको फर्स्ट समरी बोलते हैं। हर टाइटल इसी से निकलेगा हमारा, हर टाइटल को इसी में हमें सर्च करना होता है। इसके बाद ये सेकंड समरी है। सेकंड समरी जो है वो 100 डिवीज़न में डिवाइड हो रखी है। फिर उसके बाद थर्ड समरी स्टार्ट होती है। थर्ड समरी 1000 सेक्शन में डिवाइड हो रखी है। ये थर्ड समरी आप देख रहे हो कि कितनी लॉन्ग है, क्योंकि इसमें 1000 सेक्शन दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी नंबर को निकालने से पहले उसके लिए हमें 10 मेन क्लास का बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक बुक है, द बाइबल मेरे पास बुक है। अब मुझे इस बुक का क्लास नंबर पता लगाना है कि क्लास नंबर क्या है। तो द बाइबल को सबसे पहले मैं अपनी मेन समरी में देखूंगा, यानी 10 मेन क्लास में देखूंगा कि बाइबल किस पार्ट्स में आती है। तो बाइबल मेरा 200, आप यहाँ देख रहे हो रिलीजन का जो 200 दिखाई दे रहा है, ये मेरा बाइबल को शो करता है, क्योंकि बाइबल जो है वो एक रिलीजन को शो करती है। अब इस 200 को हमें सेकेंड समरी में ओपन करना है। तो आप सेकंड समरी में ओपन करते हो, ये मैं सेकंड समरी में ओपन कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा 200। तो 200 में भी आपको 220 दिख रहा होगा। 220 जो है वो बाइबल को शो करता है। अब इस 220 को हमें किस में सर्च करना है? थर्ड समरी में स्टार्ट करना है। तो थर्ड समरी में स्टार्ट कर दिया। ये अभी देखो, ये 100 है, अब ये 200 आया, इसी में हमें अपना 220 मिलेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो 220 आपको मिला। 220 जो है वो हमारा बाइबल का नंबर है। तो इस प्रकार जो मेरे पास जो बुक थी द बाइबल, तो उसका मेरा क्लास नंबर जो होगा वो होगा 220। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। मैं फ्रेंड्स, एक और टॉपिक लेते हैं हम। हमारा टॉपिक हैगा डिक्शनरी कैटलॉग। तो इस डिक्शनरी कैटलॉग को हमें सबसे पहले अपनी 10 मेन क्लास में सर्च करना होता है कि 10 मेन क्लास में डिक्शनरी कैटलॉग किस में आएगा। तो डिक्शनरी कैटलॉग इनमें से किसी में नहीं आएगा। जो किसी में नहीं आएगा वो 00 में आपको दिखाई देगा। तो 00 को मैं सेकंड समरी में ओपन करता हूँ, तो आप देखते हो सेकंड समरी में एक नंबर निकल कर आता है 010। 010 जो है वो बिब्लियोग्राफीज का नंबर है। अब इस 010 को हमें थर्ड समरी में ओपन करना है। तो थर्ड समरी में चलते हैं। तो थर्ड समरी में हम आ गए। तो थर्ड समरी में हमने देखा 010 में बिब्लियोग्राफी को भी कई भागों में डिवाइड कर रखा है। तो इसमें एक 019 आपको दिखाई देगा, जो है डिक्शनरी कैटलॉग। तो हमारा जो डिक्शनरी कैटलॉग बुक का जो क्लास नंबर बनेगा वो बनेगा 019। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना नंबर बना सकते हो। तीन स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको 10 मेन क्लास में उस टाइटल को देखना है कि वो टाइटल किस में आएगा। उसके बाद आपको सेकंड समरी में उस टाइटल को एक्सप्लेन में देखना है कि वो किस नंबर से रिलेटेड है। फिर उसी को हमें थर्ड समरी में जाके कंफर्म करना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बुक का नंबर निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं तीन समरी को। तो एक टॉपिक है हमारा, एक बुक है हमारी, इंडोर गेम्स ऑफ स्किल। तो इंडोर गेम्स ऑफ स्किल जो है वो 700 आर्ट्स एंड रिएक्शन के अंतर्गत आती है। तो इसको हम सेकंड समरी में स्टार्ट करते हैं। सेकंड समरी में हमने देखा 700 को आर्ट्स में भी बहुत सारी कैटेगरी दे रखी है। तो उसमें से 790 जो है वो स्पोर्ट्स गेम एंड एंटरटेनमेंट्स को शो करता है, और हमारा टॉपिक भी इंडोर गेम्स है। तो अब इस 790 को थर्ड समरी में ओपन करना है। ये 00 की समरी चल रही है थर्ड, ये 100 की है, ये 200 की, ये 300, ये 400 और ये 500 की है, ये 600 की, ये 700 की। तो हमारा टाइटल भी इसी में था। तो हमने जो सेकंड समरी में जो 790 को निकाला था, उसको हमें थर्ड समरी में देखना है। तो थर्ड समरी में आप देखोगे कि 790 जो कि इंडोर गेम्स ऑफ स्किल आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारा टॉपिक क्या बना, हमारा टाइटल क्या बनेगा बुक का? 794। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से किसी भी नंबर को बना सकते हो। बस आपको 10 मेन क्लास को पता होना चाहिए कि जो भी हमें टाइटल दिया रहेगा उसको हमें 10 मेन क्लास में पहले सर्च करना है। उस 10 मेन क्लास को हमें फिर सेकंड समरी में ओपन करना है। सेकंड समरी के बाद आपको थर्ड समरी में आपको ओपन करना है। तो ये हमने समरी को यूज़ करना सीखा।
आई होप कि आपको समरी यूज़ करना आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड वॉल्यूम को यूज़ करना बताऊंगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि BLIS के स्टूडेंट की काफ़ी हेल्प हो सके। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो BLIS के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसको शेयर करें, और जो क्वेरीज वगैरह हो वो अपने कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू।